नमस्ते, आयुर्वेद 360 चैनल में आपका स्वागत है। क्लेद शब्द का आयुर्वेद का इंटरप्रिटेशन समझने के बाद आपको अगला शब्द जो समझना है वो है अभिष्यंदी गुण। अभिष्यंदी गुण एक ऐसे गुण है जो बहुत सारे टीचर्स आपसे पूछते रहते हैं और ज्यादातर लोग दही के एग्जाम्पल देते हैं और उसके अलावा वो जानते नहीं है कि बेसिकली अभिष्यंदी होता क्या है और क्या क्या एग्जाम्पल उसके लिए हो सकता है। तो इस वीडियो में हम अभिष्यंदी गुण के बारे में जरूर देखेंगे, उससे पहले क्लेद गुण के बारे में जरूर देखिए क्योंकि दोनों रिलेटेड है। तो क्लेद गुण के बारे में देखने के बाद पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट शब्द जो देखना है वो है अभिष्यंदी। अभिष्यंदी गुण जो है वो बहुत बार शास्त्रों में आते हैं और हमें कमेंटेटर्स के मदद से पढ़ना जरूरी है क्योंकि कमेंटेटर्स इसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं जो हमारे समझने के लिए मदद भी करते हैं और साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो या पैथोलॉजिकल एक्टिविटीज हो अभिष्यंदी गुण की वजह से जो हो रहा है वो भी इजीली समझ में आ जाता है। सबसे पहले रेफरेंस देखते हैं, अनभिष्यंदी अस्निग्धम इत्यर्थः। ये हालांकि ऑपोजिट वर्ड है अनभिष्यंदी। सो अनभिष्यंदी का अर्थ इन्होंने बताया अस्निग्ध, जो स्निग्ध नहीं है उसको हम अनभिष्यंदी कहते हैं। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अभिष्यंदी गुण स्निग्धता से कुछ रिलेशन है दोनों के बीच में। अभिष्यंदी गुण के अंदर थोड़ा बहुत स्निग्धता का एक तरह से स्निग्ध गुण जो है वो अभिष्यंदी गुण में रहता है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल होता तो अभिष्यंदी शब्द का अलग से बोलने की जरूरत नहीं था, वो स्निग्ध से ही चल जाता। तो स्निग्धता के साथ और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं इसलिए शायद अभिषेंदी गुण को अलग से बोलना पड़ा। सबसे पहले चीज ये है, रिलेशन है अभिषेंदी और स्निग्धता से, और अगले सूत्र से हमें पूरा क्लियर हो जाता है। जो ढलन की टीका है, काफी बार ये वाला जो लाइन है सुश्रुत संहिता में रिपीट हुआ है और कम से कम 4 से 5 बार आपको ये शास्त्रों में देखने को मिलेगा अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। अभिषेंदी दोष धातु मलानाम स्रोतसाम अतिशय क्लेद प्राप्ति जननम। सो दोष धातु मल स्रोतसाम अतिशय क्लेद प्राप्ति जननम। तो अभिष्यंदी गुण का जो एक्शन है वो सबसे पहले इन्होंने बताया दोष धातु मल स्रोतसाम। तो स्रोतसाम ये सप्तमी के बहुवचन की सप्तमी रूप है, तो ये अधिकरण की बात कर, अधिकरण या कहां पर ये काम हो रहा है अभिष्यंदी गुण का, ये शरीर के कोई भी स्रोतस में हो सकते हैं। दोष वह स्रोतस, धातु वह स्रोतस, मल वह स्रोतस, इसका अर्थ क्या हुआ, संपूर्ण शरीर में जो भी स्रोतस हैं वो सारे इसके अंदर आ गए। तो स्रोतस एक अलग ही कॉन्सेप्ट है और काफी इंटरेस्टिंग, और एप्लीकेशन के हिसाब से स्रोतस के बिना आपके आयुर्वेद के शास्त्र पूरा नहीं होता, तो उसको हम कोई अलग सेशन में देखेंगे। अभी के लिए इतना लेके चलते हैं कि शरीर के कोई भी स्रोतस, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल स्रोतस हो, शरीर के कोई भी स्रोतस में ये अभिष्यंदी गुण काम करने वाला है। तो काम होगा क्या, क्लेद प्राप्ति। क्लेद प्राप्ति, क्लेद अभी अभी मैंने बताया आपको देखना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो अभिष्यंदी गुण क्लेद को उत्पन्न करता है, क्लेद प्राप्ति को मदद करता है। जब आप अभिष्यंदी द्रव्य को लेंगे आपके शरीर के स्रोतस में क्लेद का उत्पन्न होगा, सबसे पहले ये क्लियर है। थोड़ा बहुत स्निग्ध गुण में भी ये होता है इसलिए ये रिलेटेड है करके मैंने बोला पहले ही, लेकिन सिर्फ क्लेद प्राप्त होने से क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं और कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो आता नहीं है, लेकिन यहां पर हो रहा है अतिशय क्लेद प्राप्ति जननम। जो अति शब्द है, अतिशय शब्द है, वो एक तरह से यहाँ पर नॉर्मल क्लेद या नॉर्मल क्लेद की उत्पत्ति और अन्य अभिष्यंदी गुण की वजह से जो हो रहा है उसको डिफर करता है, डिफर करने में मदद करता है, वो शब्द है अतिशय। तो जब आप अभिष्यंदी गुणयुक्त द्रव्य को लेंगे आपके शरीर के स्रोतस में क्लेद प्राप्ति जरूर होगा, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, या थोड़ा ज्यादा मात्रा में होगा, एक्सेस होगा, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होगा, वो है अभिष्यंदी गुण का एक्चुअल एक्शन। तो इसको हमें प्रैक्टिकली कैसे समझना है, मान लीजिए आपने आइसक्रीम ले लिया, और आसानी एग्जाम्पल के लिए आपको दही का एग्जाम्पल ले लेंगे। रात को आपने दही खाने का आदत लगा दी, मान लीजिए एक हफ्ते आप लगातार दही ले रहे हैं, तो शायद दही लेने से पहले और दही लेने के बाद की अगर आपके बॉडी के चेंजेस आप देखेंगे तो शायद आपको देखने को मिलेगा कि, या महसूस होने को मिलेगा कि थोड़ा बहुत जो
कफ या बेलगम जो निकलता है वो आपका बढ़ गया हो पहले से कंपैरिजन से, थोड़ा बहुत आपके एक्सपेक्टोरेशन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से आता है, प्राणवायु स्रोत से आता है, वो बढ़ गया हो। दूसरा चीज, शायद आपके सिर पे या शिर प्रदेश जो है गुरुता आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा, गुरुता। तो अगर आपने ये महसूस किया तो ये शायद वो दही के वजह से है, दही की वजह से जो आपने रेगुलर रात को लिया, जो रात को नहीं लेना चाहिए था दही अकेले से, तो उसको आपने ले लिया, तो अभी शनि गुण युक्त है वो, अभी आपके शरीर के स्रोतस में क्लेद को उत्पन्न किया, ज्यादा मात्रा में उत्पन्न किया, अब वो जो क्लेद है आपके गुरुत्व को गुरुत्व होने में गुरुत्व खुद ही करा दिया आपके शिर प्रदेश में। और दूसरा चीज है जो एक्सपेक्टोरेंट है या बलगम है जो भी है वहां पर वो बढ़ा दिया। ऐसे ही कोई भी स्रोतस के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि मूत्रवाह स्रोतस के में अगर इफेक्ट हो गया तो वहां पर क्लेद ज्यादा उत्पन्न होगा, तो मूत्र जो क्वांटिटी है या फ्रीक्वेंसी है दोनों बढ़ जाएगा। तो ये बताता है कि शायद मूत्रवाह स्रोतस में क्लेद का अति प्राप्त या प्राप्ति होने की वजह से बार बार मूत्र प्रवृत्ति हो रहा है, वो भी एक तरह से अभिशन्दी गुण की वजह से ही हो रहा है। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकली हर एक स्रोतस को एग्जाम्पल लेते हुए मान सकते हैं कि अभिशन्दी गुण की वजह से कोई भी स्रोतस में क्लेद का अतिशय प्राप्त होना ही अभिशन्दी गुण का मेन कर्म है। अगर इसका इंटरप्रिटेशन अगर आप अलग तरह से देखना चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम लेने से क्या होगा अभिशन्दी गुण, तो बहुत ज्यादा जो क्लेद उत्पन्न होता रहेगा होता रहेगा वो स्रोतसाम उपलेपकारी, वो उस स्रोतस को लेप करना शुरू कर देगा। तो स्रोतस के जो लुमेन है वो लुमेन अगर लेप वहां पर नॉर्मल होगा तो लुमेन जितना चाहिए उतना होगा, अगर लेप वहां पर बढ़ता जाएगा तो शायद वो लुमेन कम होता जाएगा और वो जो कोटिंग है उपलेप आप मान सकते हैं कोटिंग यहाँ पर, तो वो बढ़ता जाएगा। तो स्रोतस को एक तरह से उपलेप करने वाला, एक तरह से ऊपर से एक लेयर लगाने वाला काम जो है ये अभिशन्दी गुण कर सकता है। ये भी कोई भी एग्जाम्पल के साथ आप इसको समझ सकते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर इस संदर्भ में, मतलब ये जो सूत्र है इस श्लोक के या सूत्र के कॉन्टेक्स्ट है स्नेहन, लवणयुक्त स्नेहन। तो लवणयुक्त स्नेहन को अति शीघ्र रूप से स्नेहन करने वाला बोला जाता है क्योंकि उसमें एक गुण है अभिशंधि, तो एक ही बहुत सारे गुण है उसमें एक है अभिशंधि। तो ये क्या करता है लवणयुक्त जो स्नेह है वो अभिशंधि गुण क्यों है या उसका मतलब कम क्या क्या है? दोष संगात विच्छेद कर्म, जब ग्रथित दोष है, जो दुष्ट दोष ग्रथित अवस्था में है, जब वो बहुत ही हार्ड स्टेटस में है, हमें स्नेहन स्वेदन के बाद कोई ना कोई शोधन कराना है, तो उसको पहले वो संगात को हमें हटाना है या उसको ब्रेक करना है, उसके बाद स्वेदन करके वहां पर पाक करना है, फिर कोष्ठ में लेके आना है, फिर कोष्ठ में आने के बाद हमें उसको या तो अमन या विरेचन या कोई भी नजदीक मार्ग से हमें निकालना है। ये प्रिंसिपल आप जानते हैं, कोष्ठ से शाखा, शाखा टू कोष्ठ, शाखा टू कोष्ठ आने के बाद शोधन के बाद। तो स्नेहन के टाइम जब दोष संगात है तो वहां पर अगर आपने अभिशन्दी गुण को डाल दिया, मान लीजिए आपके पास कोई एक पत्थर है और पत्थर में बार बार पानी डालते 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 वो पत्थर जो है धीरे धीरे वो स्मूथ हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो दोष संगात है या ग्रथित दोष जो है वो विच्छेद करने में, उसको सेपरेट करने में, उसको एक तरह से तुरंत सेपरेट मतलब छोटा छोटा टुकड़ा करने में ये मदद करेगा अभिशन्दी गुण। और एक लास्ट पॉइंट समझने के लिए है अनभिशन्दी स्रोतसाम अश्रावी, ये अगेन उल्टा हम समझेंगे, अनभिशन्दी जो द्रव्य है वो स्रोतस में कोई स्राव को नहीं करेगा। अब इसका अर्थ यह हुआ कि अभिशन्दी गुण युक्त जो द्रव्य है वो स्रोतस में स्राव कराता है। अब स्राव से क्या समझते हैं, वो सेकंड रेफरेंस में जाए क्ले तत्व की बात यहाँ पर हो रही है। तो इस तरह से अभिशन्दी गुण की एक कंक्लूजन की अगर बात करेंगे तो अभिशन्दी गुण युक्त जो द्रव्य है वो शरीर के स्रोतस में काम कर सकते हैं और जिस स्रोतस में वो ज्यादा काम करेगा वहां पर उत्पन्न क्लेद की उत्पन्नता बहुत ज्यादा मात्रा में हो सकता है। कभी कभी ये फिजियोलॉजिकल है, कभी कभी पैथोलॉजिकल है। अगर वो पैथोलॉजिकल है तो वो अति क्लेद जन्य विकार को उत्पन्न करता है जैसे प्रमेह आदि है, अगर क्लेद कम हो गया तो भी दिक्कत है, तब अगर आप अभिशन्दी द्रव्य को इस्तेमाल करेंगे तो वो नॉर्मल सी को लेके आने के लिए। तो जहां पर जरूरत है उस तरह से हम अभिशन्दी गुण को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो या चाहे वो पैथोलॉजिकल हो या चाहे वो थेरापेटिक एक्शन हो। तो इस तरह से हमें ये अभिशन्दी गुण को समझना है ताकि हमें प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन मदद में मदद आ सके। और आपको एक होमवर्क है कि आप सिर्फ दही को छोड़ के बाकी कौन सा ऐसे द्रव्य है जहां पर अभिशन्दी गुण का उल्लेख आया या कौन सा कोई प्रोसीजर है जहां पर अभिशन्दी एक्शन हम देख पाते हैं, ये आप जरूर शास्त्रों में देखने का कोशिश कीजिए। उसके बाद अभिशन्दी गुण आपको बहुत या लाइफ लॉन्ग याद रहेगा और उसका इम्प्लीकेशन अप्लीकेशन भी हमेशा के लिए मदद करेगा। तो अगली वीडियो तक धन्यवाद।